D20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को लग सकता है बहुत बड़ा झटका। पूरा देश कर रहा है दुआ। इतनी बड़ी आ गई मुसीबत की रोहित शर्मा को छोड़नी पड़ सकती है कप्तानी। कप्तान रोहित शर्मा के साथ T20 में ये दो खिलाड़ी भी हो सकते हैं बाहर। इन तीन खिलाड़ियों पर नजर गड़ाए हुए है टीम मैनेजमेंट, ले सकता है बड़ा फैसला। भारतीय खेमा अपनी 15 सदस्यीय टीम और 4 रिजर्व खिलाड़ियों के साथ कुछ दिनों में T20 विश्व कप 2022 के लिए ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ रहा है। हालांकि उससे पहले टीम प्रबंधन खिलाड़ियों की फिटनेस पर कड़ी नजर रखे हुए है, लेकिन कुछ दिग्गज चोटों का सामना करते हुए दिख रहे हैं, जिससे चिंता बढ़ती जा रही है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम पहले ही रविंद्र जडेजा के बाहर हो जाने के रूप में बड़ा झटका झेल चुकी है, तो वहीं जसप्रीत बुमराह के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की संभावनाओं पर अभी कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि उनकी हालिया पीठ में फ्रैक्चर की चोट है। हाल ही में हुए IPL में हार्दिक पांड्या ने खुद को साबित किया, फिलहाल वो फिट नजर आ रहे हैं। ऑलराउंडर के रूप में वो सबसे अहम नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी टीम प्रबंधन को चाहिए कि वो बड़े खिलाड़ियों की फिटनेस पर नजर रखे। T20 विश्व कप 2022 16 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। वहीं 4 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच होना बाकी है। अगर उस मैच में या फिर T20 विश्व कप के शुरुआती मैचों में कुछ खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं तो भारतीय टीम मुसीबत में पड़ सकती है। ऐसे में टीम प्रबंधन को टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों की फिटनेस पर पैनी नजर रखनी होगी। ऐसे में आइए जाने 3 खिलाड़ियों के बारे में जो अगर चोटिल होते हैं तो भारत टूर्नामेंट में मुसीबत में फंस सकता है। रोहित शर्मा T20 विश्व कप 2022 में भारतीय टीम के कप्तानी करेंगे और पूर्णकालिक नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। एक कप्तान के रूप में उनके लिए ये पहला ICC टूर्नामेंट होगा। दाएं हाथ का ये बल्लेबाज बल्ले से जबरदस्त लय में है और गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकता है। 35 वर्षीय रोहित शर्मा के नाम 4 T20 शतक हैं और उनकी आक्रामक मानसिकता विरोधियों को चिंता में डालती है। हालांकि रोहित की चिंताओं में से एक उनकी फिटनेस भी है, जो टूर्नामेंट में मुश्किल खड़ी कर सकती है। वेस्ट इंडीज में हाल ही में T20 सीरीज के दौरान रोहित को पीठ में ऐठन का सामना करना पड़ा और उन्हें अपनी पारी के बीच में ही रिटायर हर्ट होना पड़ा। उन्हें अंतिम T20 के लिए आराम दिया गया ताकि वो अपनी पूरी फिटनेस हासिल कर सकें। पिछले कुछ सालों में रोहित को अपनी हैमस्ट्रिंग की समस्या थी, वो कई महत्वपूर्ण दौरों से चूक चुके थे। उनकी अपार क्षमता को देखते हुए प्रबंधन को पूरे टूर्नामेंट में रोहित की अत्यधिक देखभाल करने की जरूरत है। भुवनेश्वर कुमार अनुभवी तेज गेंदबाज हैं, जो विश्व कप में चुने गए हैं। उनका पूरे टूर्नामेंट में फिट होना बहुत जरूरी है। जब वो नई गेंदों को स्विंग करना शुरू करते हैं तो विरोधी बल्लेबाज चकमा खा जाते हैं। दाएं हाथ के सीमर ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ 5 विकेट चटकाए थे और उनके पास महान कौशल है। उनके पास नॉक बॉल सहित कई विविधताएं हैं और यॉर्कर को भी अंदर ले आ सकते हैं। हालांकि 32 वर्षीय भुवनेश्वर वर्तमान में भारत के लिए सिर्फ T20 प्रारूप खेल रहे हैं। उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए आराम दिया गया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप टीम 2022 में चुना गया है। भुवनेश्वर ने अतीत में चोटों का सामना किया है और IPL में उनकी फ्रेंचाइजी सनराइजर हैदराबाद द्वारा बहुत सारे खेलों के लिए उन्हें दरकिनार किया गया था। भुवनेश्वर को टूर्नामेंट के बीच में चोट लग गई थी और उसका खामियाजा भारत ने भुगता था। जांघ की चोट से लेकर हैमस्ट्रिंग की समस्याओं तक भुवनेश्वर ने ये सब देखा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनका कार्यभार उसी के अनुसार प्रबंधित किया जाए। अगर जसप्रीत बुमराह उपलब्ध नहीं होते हैं तो फिर भुवनेश्वर ही होंगे जो तेज गेंदबाजी आक्रमण को लीड करेंगे। हर्षल पटेल ने भी हाल ही में अपनी चोट से उबर कर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में वापसी की है। 31 वर्षीय हर्षल पटेल पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू के बाद से गेंद के साथ शानदार रहे हैं और उन्होंने डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी ली है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलने वाले ऑलराउंडर को डेथ ओवरों में आजमाया जाता है और वो ज्यादातर मौकों पर ही सही साबित होते हैं। पटेल के पास अपनी फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए लगातार 2 बेहतरीन IPL सीजन रहे हैं और इससे उन्हें राष्ट्रीय टीम में शामिल करने में मदद मिली है। इसके अलावा वो बल्ले से रन बनाने की काबिलियत भी रखते हैं, लेकिन चोट ने भी उनका करियर थोड़ा प्रभावित किया है। पटेल को अपनी पसली में चोट लगी और हाल ही में एशिया कप 2022 से बाहर हो गए थे। वो वेस्ट इंडीज दौरे के आखिरी कुछ मैचों में भी नहीं खेल पाए थे और उन्हें ठीक होने में 1 महीने से ज्यादा समय लगा था। उन्हें NCA में रिहैबिलिटेशन से गुजरना पड़ा, लेकिन उनकी वापसी उतनी कारगर साबित नहीं हुई थी। बुमराह के साथ हुई हालिया गलती के बाद
प्रबंधन को पटेल की फिटनेस पर ध्यान देना होगा।